डुबकी लगाओ भिक्षु विशुद्ध पुत्र। 20 जनवरी 1956। महाराज के प्रेम से दिमाग खराब ना हो जाए। रात को पूजनीय महाराज जी के पास गया था। जाते ही उन्होंने प्रश्न किया, क्यों रे तेरी क्या खबर है? मैंने प्रश्न का सीधा कोई उत्तर ना देकर कहा, महाराज आज सवेरे पाठ के समय उपेन महाराज ने बातों के क्रम में कहा, देखो बेटा तू महाराज के पास इतना जाता है, उनका इतना स्नेह पाता है, देखना कहीं खराब ना हो। एक लता एक बड़े पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, जितना भी आंधी अंधड़ आता है उस बड़े पेड़ के ऊपर से चला जाता है, और लता समझती है कि मैं अपने पैर पर खड़ी हूं, लेकिन जब पेड़ नहीं रहता तब लता समझ पाती है। महाराज ने सब सुनकर कहा, ठीक कहा है। मेरे संघ जीवन के आरंभिक 5 वर्ष पूजनीय उपेन महाराज स्वामी विमुक्तानंद जी के पास व्यतीत हुए हैं। कहा जाए तो साधु जीवन का क ख ग उन्हीं के पास से पढ़ा है। वे हम लोगों को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखते थे और हमारे जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे। वे प्रतिदिन हम लोगों को सवेरे शास्त्र आदि पढ़ाते थे। प्रत्येक रविवार को सवेरे हम लोगों को लेकर भजन की गोष्ठी जमाते, फिर कभी कभी बाग बाजार श्री माँ का निवास मायरबाड़ी उद्बोधन या दक्षिणेश्वर ले जाते। मुझको पूजनीय विशुद्धानंद जी महाराज की स्नेह छाया में आश्रय प्राप्त हुआ है। यह देखकर वे मेरे भविष्य के संबंध में कुछ चिंतित थे, क्योंकि उन लोगों ने कई बार देखा कि महापुरुषों की कृपा ने उन लोगों को नम्र ना बनाकर अहंकारी बना दिया, और इस प्रकार कई लोगों का जीवन नष्ट होते भी देखा है। इसलिए वे प्रायः मुझको सावधान कर देते, देखना महाराज का प्रेम पाकर दिमाग खराब न हो जाए। बाद में किसी अन्य प्रसंग में महाराज ने कहा, बड़े बड़े कामों में किसी का मूल्यांकन नहीं करना, वाहवाही पाकर सभी बड़े काम कर सकते हैं। मैंने फिर उपेन महाराज का प्रसंग उठाकर कहा, उन्होंने कहा, गुरु के आदेश और संघ गुरु के आदेश में अंत में गुरु के आदेश का ही पालन करना। मेरी बात सुनकर महाराज ने कहा, आज तुम लोगों की उम्र का एक लड़का अपनी मौसी को लेकर आया था, कटिहार में दीक्षा हुई है। आते ही मैंने प्रश्न किया, ठाकुर को प्रणाम किया है? इस पर मौसी ने कहा, नहीं किया। कहा है पहले गुरु को प्रणाम करके तब ठाकुर को करना। बात समाप्त होने के बाद महाराज ने मुझसे पूछा, गुरु ने क्रोध किया या इष्ट ने क्रोध किया? मैंने उत्तर दिया, गुरु और इष्ट एक हैं, वहां और कौन क्रोध करेगा। बाद में मैंने उपेन महाराज की एक और बात महाराज को बतलाई। उन्होंने कहा था मन किस तरह धोखा देता है। मान लो किसी को कोई काम दिया गया है लेकिन उसको पसंद नहीं है, वह इस तरह बोलेगा, मैं तपस्या करने जाऊंगा, लेकिन अगले ही क्षण पसंद का काम मिलते ही कहेगा, आप जो आदेश करें। मेरी बात सुनकर महाराज ने कहा, भगवान के संबंध में भी ऐसा ही होता है, यदि वे सभी इच्छाएं पूर्ण कर दें तो बहुत अच्छा, 10 बार प्रणाम करेगा और कहेगा प्रभु की करुणा अपार है, लेकिन यदि कोई वासना पूर्ण ना करें तो फिर कहेगा जाओ प्रभु तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। 29 जनवरी 1956 तमोगुण का लक्षण। आज वार्तालाप के प्रसंग में पूजनीय महाराज ने कहा, हम लोग क्या करते हैं जानते हो? शाम से लेकर खाने का घंटा बजने तक बैठते थे। यह सुनकर मैं बोला, माथा जो टनटन करता है। इस पर महाराज ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, टनटन करे ना, करे तो देख वह सब मन की बहानेबाजी है, करके तो देख वह सब मन की बहानेबाजी है, वह सब तमोगुण का लक्षण है। 31 जनवरी 1956। मैं स्वयं महाराज से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता, इसलिए उन्होंने आज थोड़ा तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता? या वहां उपेन स्वामी विमुक्तानंद रहता है, उससे सब पूछ लेते हो या सब समझ लेते हो? बाद में बोले,
पुस्तक पढ़कर जहां नहीं समझ में आएगा उपेन से पूछ लेना। 1 फरवरी 1956, मन कितना बैठता है। आज दोपहर में पूजनीय महाराज जी के पास गया था, उनसे कहा, महाराज आजकल दिन में 3 घंटे बैठता है, क्या समय और बढ़ाऊं? उत्तर में महाराज ने कहा, प्रारंभ में 3 घंटा पर्याप्त है, 1 वर्ष तक इसी तरह चलने दो। केवल बैठने से तो नहीं होगा, ऋषिकेश में तो अनेक हैं जो 12 घंटे बैठते हैं। असली बात है मन कितना बैठता है। 27 फरवरी 1956, योग समन्वय। शाम को महाराज जी के पास गया था। आज सवेरे पूजनीय विमुक्तानंद जी मठ की नियमावली पढ़ा रहे थे, उसमें स्वामी जी ने योग समन्वय की बात कही है, इसलिए पूजनीय महाराज ने इस विषय में प्रश्न किया। नियमावली में स्वामी जी ने जो कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के समन्वय की बात कही है, उसका तात्पर्य क्या है? उत्तर में महाराज ने कहा, ज्ञान माने क्या? श्री ठाकुर एक और अद्वितीय है, यह विश्वास होना, यह हुई परोक्ष अनुभूति। जैसे एक आदमी ने आकर कहा, विलायत में राजा है, जब ध्यान के योग द्वारा भक्ति का अनुभव हो रहा है, फिर कर्म में भी वही है, उन्हीं का काम कर रहा हूं, यही तो समन्वय है। गीता में भी यही है, भगवान ने अर्जुन को कर्म का, गोपिकाओं को भक्ति का और उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया। यह बात महाराज ने प्रश्न किया, यह बता, महाराज ने प्रश्न किया, उपेन ने क्या बताया? मैंने कहा, उन्होंने बताया, हम लोगों को सभी विषयों में पास करना होगा, लेकिन ऑनर्स करना होगा कर्म में, क्योंकि स्वामी जी ने निष्काम कर्म के ऊपर अधिक जोर दिया है। मेरी बात सुनकर महाराज ने कहा, ऑनर्स करना होगा अनुभूति में, सभी विषयों में पास करने पर ही ऑनर्स मिलेगा। जो साधना में इन चारों मार्गों का समन्वय कर पाएगा, वह सिद्धि में भी समन्वय कर पाएगा, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मार्ग पर दृष्टि रखो, फल ठीक ही प्राप्त होगा। 5 मार्च 1956, आज ढाका जाने के लिए पूजनीय महाराज ने कलकत्ता प्रस्थान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में 111 नंबर रसर रोड में ठहरेंगे। कल अपहरण में 3 बजे ढाका के लिए हवाई जहाज है। 20 मई 1956, आज अपहरण में नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस से महाराज मालदा से मठ को लौटेंगे। उनकी अगवानी के लिए दक्षिणेश्वर स्टेशन पर गया था, वहां बहुत से भक्त एकत्र हुए थे। महाराज ने मठ में लौटकर जब सुना कि पीने का पानी नमकीन खारा हो गया है, तो मुझे बुलाकर कहा, तुम साधु सेवा करना, रोज मेरे लिए अल्यूमिनियम फैक्ट्री से पीने का पानी ला देना। 27 मई 1956, निष्काम होना आसान नहीं। रात को महाराज जी के पास बैठते ही उन्होंने पूछा, क्यों रे, कुछ दे भी रहे हैं तुमको या केवल पानी ही ढुलवा रहे हैं? मैंने उत्तर में कहा, हां देते हैं। सुनकर महाराज ने प्रश्न किया, तुम सकाम भक्त हो या निष्काम भक्त? मैंने उत्तर दिया, निष्काम। मेरा उत्तर सुनकर महाराज ने कहा, अरे निष्काम होना कोई सरल बात नहीं है रे, स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा निष्काम हो जाने पर भारी भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही देवघर के धी महाराज ने आकर प्रणाम करके महाराज से कहा, महाराज सन 1954 में मेरे ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई, हम लोग आपके पास सवेरे आए थे, आपने बहुत सी सुंदर सुंदर बातें बताई थी। उनकी बात सुनकर महाराज ने कहा, सब वाउज प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो? तो धी ने उत्तर दिया, प्रयास करता हूं। प्रयास क्यों? प्रतिज्ञाओं का पालन कर सकोगे यही मानकर तो ब्रह्मचर्य दीक्षा दी गई है, महाराज ने कहा। धी महाराज, आपने मधुमक्खी की बात कही थी, नीम के पेड़ में सब कुछ होता है लेकिन मधुमक्खी उसमें से केवल मधु का ही संग्रह करती है। आपने प्रतिज्ञाओं को प्रतिदिन पढ़ने और कंठस्थ करने को कहा था,
मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं और प्रायः कंठस्थ हो गई हैं। महाराज, प्रतिदिन पढ़ते हो? हां, प्रतिदिन स्मरण करना होगा। अग्नि को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है, केवल पढ़ने से क्या होगा। हमेशा ठाकुर को सामने रखना होगा, हमेशा उनको पकड़े रहना होगा। उनको छोड़ा कि गए? त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग, वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग। यह उद्धृत करके महाराज ने मुझसे प्रश्न पूछा, बोलो तो अति निंदित इंद्रिय राग का क्या अर्थ है? मैंने उत्तर दिया, इंद्रियों की आसक्ति अत्यंत निंदित है। सुनकर महाराज ने कहा, इंद्रियों की आसक्ति का त्याग करना होगा। इंद्रियों को बहिर्मुख करके सृष्टि हुई है, उनको अंतर्मुख करना होगा, लगाम खींचे रखना होगा। जो जितना ही लगाम खींच कर रखेगा उसका जीवन उतना ही सफल होगा। नन्हे पौधों को चारों ओर से घेरा बनाना होगा। किसका घेरा? विवेक का घेरा। टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड द एंड विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। 4 जून 1956। भाव को लेकर ही सभी बातें हैं। रात को महाराज जी के पास बैठा था, अचानक निष्काम कर्म की बात उठी। बात उठते ही महाराज ने मुझसे प्रश्न किया, क्यों रे, रा निष्काम कर्म कर पाता है? मैंने उत्तर दिया, नहीं, नाम यश की थोड़ी कामना है। उत्तर सुनकर महाराज ने पुनः प्रश्न किया, क्या होने पर निष्काम कर्म किया जा सकता है? मैंने उत्तर दिया, अगर यह दृढ़ धारणा हो कि प्रत्येक काम ठाकुर का है, ऐसा होने पर ही सच्चा निष्काम कर्म किया जा सकता है। महाराज, ये धारणा कैसे हो सकती है कि प्रत्येक काम ठाकुर का है? मैं, यदि जीव जगत से लेकर अणु परमाणु तक में ठाकुर जी को देखा जा सके तभी यह भाव आता है कि सब काम उनके हैं। महाराज, यह कैसे हो सकता है? मैं, ठाकुर के ऊपर जिसका जितना प्रेम होगा वह उतना ही यह भाव उपलब्ध करेगा। मेरा उत्तर सुनकर बुढ़ऊ बहुत प्रसन्न होकर बोले, परीक्षा में पास हो गए हो, 100 में 100 नंबर मिला है। कुछ देर बाद फिर बोले, सारी बातें भाव को लेकर हैं, भाव के परिपक्व होने पर ही भक्ति होती है। 11 जून 1956, कौआ और क्या। 19 जून 1956, कौआ और क्या। रात को महाराज जी के पास गया था। बातों बातों में पहले दिन महाराज जी के साथ कैसे बातचीत हुई थी और क्या क्या बातें हुई थी सब मैंने बताया। मेरा विवरण सुनकर वे बोले, वाह, अच्छी तरह मन में रखा तो है। यह कहकर महाराज ने मायावती की एक घटना बताई। मायावती में काठ का कमरा है, ऊपर सेलेट दिया है जिस पर से बर्फ ढलकर नीचे गिर जाए। कमरे के बीच में लकड़ी का पार्टीशन है, ऊपर की जगह खाली है। मेरे पास के ही कमरे में एक व्यक्ति रहते थे। एक दिन वे काफी देर से सोने को आए तो मैंने प्रश्न किया, क्यों महाशय, इतनी देर कहाँ थे? उन्होंने कहा, मुंह के कमरे में तुलसी रामायण का पाठ हो रहा था वहां। मैंने जानना चाहा कि कौन से स्थल का पाठ हो रहा था। उन्होंने कहा, काकभुशुंडी का प्रसंग। ओहो, क्या ही अद्भुत प्रसंग है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, काकभुशुंडी तो रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे, तो जरा बताइए ना, सुनो तुलसीदास ने क्या कहा है। मेरी बात सुनकर वे कुछ ना कहकर मौन साधे रहे। मैंने सोचा, क्या बात है, कहीं सो तो नहीं गए। ये सोचकर कुछ देर बाद उन्हें पुकार कर बोला, क्यों महाशय, सो गए क्या? काकभुशुंडी की बात कुछ नहीं बताई। पुकार सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, वही कौआ और क्या। इस घटना को बताकर महाराज जी ने कहा, समझा, बहुत से लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं और बहुत से लोग अच्छी तरह मन में धारण करते हैं। तुमने देखा तो उन्होंने क्या कहा, कौआ और क्या। मैं देख रहा हूं तुमने सब बातें मन में धारण कर रखी हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी बातें सुनते हैं लेकिन धारण नहीं कर पाते। 3 जुलाई 1956, अहंकार त्याग करके दीन हो।
संध्या होने के कुछ देर बाद महाराज जी के पास गया था। जाते ही उन्होंने पूछा, बुद्धदेव का चरित्र देखा है? राव बाबू चित्र बनवाकर महाराज के लिए लाए हैं। महाराज जी के पास जाने से पहले ही सेवकों के घर में चित्र को देखा था, इसलिए मैंने महाराज से कहा, देखा है, चित्र सुंदर बना है। बातचीत के क्रम में राव बाबू ने कहा, परसों गुरु पूर्णिमा है, भक्तों की बड़ी भीड़ होगी शायद। राव बाबू की बात सुनकर महाराज बोले, ठाकुर की संतानों के समय तो ये सब देखा नहीं, क्या जाने उस समय मैं यहां नहीं रहता था। राव बाबू, उस समय हम लोगों की तरह लोक दिखाऊ भक्त नहीं थे, उस समय तो हम लोगों का सब काम लोक दिखाऊ है, इस समय तो हम लोगों का सब काम लोक दिखाऊ है। महाराज, हां, बाह्य प्रदर्शन और अहंकार, मेरी क्या भक्ति है, अन्य लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। अहंकार गए बिना कुछ भी नहीं होने का, लोक प्रदर्शन करने पर तो केवल अहंकार होगा। देखो मैं किस तरह साजन भजन कर रहा हूं और वह बच्चू क्या कर रहे हैं। हमेशा विचार को शान पर चढ़ाते रहना होगा, विचार ना रहने पर कुछ भी नहीं होगा। लोक दिखाऊ भजन होने पर वहां विचार नहीं आता। देखो ना ठाकुर का जीवन, ठाकुर के जीवन काल में ही गिरीश बाबू और राम बाबू ठाकुर को अवतार कहकर भाषण देने लगे थे। यह सुनकर शिवनाथ शास्त्री ने सोचा, देखो इस महापुरुष के पास जाता जाकर शांति पाता, लेकिन इन लोगों ने जो शुरू कर दिया है उससे तो उस महापुरुष का मस्तिष्क ही खराब कर डालेंगे। ठाकुर के गले में रोग हो गया था, काशीपुर में थे, बार बार कहते थे शिवनाथ देखने नहीं आया। ठाकुर के मन में उनके प्रति आकर्षण था। शिवनाथ एक दिन देखने आए। ठाकुर ने उनसे कहा, कौन लोग मुझे अवतार बताते हैं? एक डॉक्टर है और एक थिएटर नाटक करता है, और फिर अवतार के गले में घाव है, देख रहे हो किस प्रकार उन्होंने अपने को छिपा रखा है। साधना के समय गले से जनेऊ उतार दिया, इससे अहंकार होगा, इसलिए यह क्या कि लोगों को दिखाते फिरें? नहीं, सब गोपन गुप्त रखकर ईसा क्या कहते थे, एक धनी आदमी के भगवान के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा सुई के छेद में से ऊंट का निकलना कहीं अधिक सरल है। अहंकार, उपाधि का अहंकार, विद्या का अहंकार, इसलिए ठाकुर कहा करते थे, ग्रंथ है कि ग्रंथी, फिर मूर्ख को भी अहंकार होता है, वह जानता ही क्या है। ठाकुर कहते थे, काली किनारी की एक धोती पहनकर आदमी यूं सीटी बजाना शुरू कर देता है, हाथ में कलम आते ही फर्र फर्र लिखने लगता है। अहंकार कैसा होता है जानते हो? जैसे एक लौह पिंड, उसे आग में तपाया जा रहा है, आग के ताप से लाल हो जाने पर लोहे का असली रूप ढक गया है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है, सिर के बाल से लेकर सब कुछ अहंकार से ढका हुआ है, अहंकार को दूर करना होगा। कच्चे मैं के स्थान पर पक्के मैं को बैठाना होगा, अहंकार को भी एक आश्रय देना होगा। वह आश्रय क्या है? मैं मां की संतान हूं। ईसा अपना किस रूप में परिचय देते थे? जोसेफ के पुत्र के रूप में या स्वर्गस्थ पिता की संतान के रूप में? बिल्कुल हम लोगों का भाव, रामप्रसाद मां ब्रह्ममयी की संतान। ठाकुर अपना परिचय किस रूप में देते थे? मां की संतान के रूप में। उनकी पृष्ठभूमि में सब कुछ देखना होगा। ठाकुर से प्रश्न किया गया था, भगवान को देखा है? ठाकुर ने उत्तर दिया था, देखा है, तुमको जिस प्रकार देख रहा हूं उससे भी अधिक स्पष्ट देखा है। इसका अर्थ समझा? केवल व्याख्यान देने से क्या होगा? जिसको संबोधित करके ये बात कही गई वह वक्तृता दिया करते हैं, वह तथ्य महाराज जी जानते थे। केवल इतना ही नहीं, एक दिन महाराज ने इच्छा व्यक्त की तो उनके कमरे में उनको वक्तृता देकर सुनाई भी पड़ी थी। तुमको देखना तो प्रत्यक्ष देखना है, इससे भी अधिक स्पष्ट देखने का अर्थ क्या है? पहले उनको अर्थात मां को देखना और उनकी पृष्ठभूमि में अन्य को देखना, यह देखना इस आंख से संभव नहीं है। ईसा इसलिए कहते थे, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर दे शैल सी गॉड। वे दीन धन्य हैं
क्योंकि उन्हें भगवान का दर्शन होगा। यही दीन भाव लाना होगा, मैं मुझे और मेरा के स्थान पर तू तुझे और तेरा को बिठाना होगा। 30 जून 1957, आज शाम को महाराज जी के पास बैठा था। उसी समय बंबई के एक भक्त दीक्षा प्रार्थी होकर महाराज जी के पास आए थे, साथ में सा महाशय थे। उन्हीं भक्त के साथ महाराज जी बात कर रहे थे, तभी वृंदावन के नौ महाराज आकर प्रार्थना करके महाराज जी के चरणों के पास बैठे। कुछ देर बाद ही भक्त और सा महाराज महाराज को प्रणाम करके चले गए। उन लोगों के चले जाने पर महाराज जी ने नव महाराज से वृंदावन की बातें करते करते देश का सामयिक प्रसंग उठाकर बोले, आज चारों ओर इकोनॉमिक ड्राइव चल रहा है, जनसाधारण के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन जो चोरी हो रही है वह बंद कर सकते तो फिर इसकी और आवश्यकता नहीं होती। आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, लेकिन सर्वत्र सत्यता का भारी अभाव है। उपसंहार। पूजनीय विशुद्धानंद महाराज श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रेमी थे। वे स्वयं प्रतिदिन निष्ठा के साथ कथामृत पाठ करने को कहते। उनके कथोपकथन के में घूम फिर कर बार बार श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रसंग आता। वे कहते थे, कथामृत में दो बातें हैं, डूब दाओ एगिए पड़ो, अर्थात डुबकी लगाओ आगे बढ़ो। यह डुबकी लगाने की बात ही वे भक्तों को सुनाते थे, इसलिए उनकी बात सबके मन को स्पर्श करती। तव कथामृतम, डुबकी लगाओ, ईश्वर को प्रेम करना सीखो, उनके प्रेम में मग्न हो। स्वामी विशुद्धानंद जी के उपदेश। यह क्या ऐसी वैसी विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सब विद्यों से श्रेष्ठ विद्या है ब्रह्म विद्या। कथामृत प्रतिदिन थोड़ा पढ़ना, कथामृत के पांचों खंडों में उनके क्या क्या प्रधान निर्देश हैं। एक भक्त महिला ने कहा, पहले ईश्वर बाद में संस्कार, डुबकी लगाओ और आगे बढ़ो। अध्यक्ष ने कहा, वाह तुमने तो 100 में पूरे 100 पा लिए, केवल पढ़ने से नहीं होता, तीनों चाहिए, श्रवण मनन निदिध्यासन, तब उपदेश की धारणा होती है। संसार क्यों छोड़ना, ठाकुर क्या केवल सन्यासियों के लिए आए थे, सबके लिए उनका आगमन हुआ था। संसार में रहना पड़ रहा है तो ठीक है, उनको पहले बिठाओ, यदि स्वयं को आगे बिठाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे भी हो, जो व्यक्ति उनको पहले बैठाकर गृहस्थ कर्म करते हैं वे उत्तम गृहस्थ हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।